आज हमें पढ़ाना है रेडियो एक्टिविटी, सॉरी क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी शुरू कर दें। अब कोई आने रात छोड़ो। हाँ सर, अब अपन कितना इंतजार करेंगे। हाँ सर, रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में जो अपने को पढ़ना है ये बता दें। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जब भी कोई एटम जो होता है एक्चुअली, ठीक है, देखो रेडियो एक्टिविटी आया कहाँ से, कि तुम्हें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियर है ना, एटम में जो है न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या को न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जब भी न्यूक्लियॉन्स का संख्या ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये एटम क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या एक लिमिट से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल, ये न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। और ये न्यूक्लियस टूट है ना, स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं और ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। समझ में आ? ठीक है, ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा और ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, जब छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सही, इसी फिनोमिना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आ? ठीक है, बट रेडियो एक्टिविटी समझ गया? ठीक है, ठीक है, आयरन का जो है, आयरन के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब धीरे धीरे करके क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो आयरन होता है। समझ गया? ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियर फिनोमिना है, अब न्यूक्लियस कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है। इसमें हम लोग एक बल्क कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी ये न्यूक्लियस टूटता है तो इसमें तीन चीज हो सकता है ना, एक तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कई बार ये होता है, बैक्टीरियोलॉजी ने बताया, अल्फा बीटा और गामा डीके भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा डीके मतलब न्यूक्लियस टूटा और उससे एक अल्फा पार्टिकल निकला। ठीक है, बीटा डीके में मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, गामा डीके में रेडिएशन फोटॉन्स निकलता है, हाई एनर्जी फोटॉन। समझ में आ? तीन तरह का है ना, अल्फा बीटा एंड गामा डीके होता है। ये बहुत भारी नहीं है एक्चुअली। अब देखो कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस, हम लोग इलेक्ट्रॉन का इसमें बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियस का बात करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा मतलब इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूट करके स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये टूटने में हो सकता है अल्फा पार्टिकल निकले, हो सकता है बीटा, या हो सकता है कोई और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाए, दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग दो तक का बात करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब जैसे ये न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस कब टूटेगा ये पता नहीं। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये कब टूटेगा ये बताना हमारे बस का बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ? सब कुछ सेम होते हुए भी कोई एक न्यूक्लियस कब टूटता है ये हमारे लिए आज तक बताना पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक न्यूक्लियस टूटना है, ठीक है, एक न्यूक्लियस तुम अनस्टेबल लेके बैठे तो हो सकता है ये तुरंत टूट जाए। ठीक है, तुरंत ये ब्रेक कर जाए, समझ में आ? और दूसरा ये हो सकता है कि ये करोड़ों साल तक ब्रेक ना करे, समझ में आ? ठीक है, हमने एक न्यूक्लियस रखा तो हो सकता है ये तुरंत ब्रेक कर जाए और हो सकता है कि दूसरा न्यूक्लियस एक करोड़ साल तक ब्रेक ना करे, समझ में आ? ठीक है, तो जब तक हम न्यूक्लियस को गिन सकते हैं नॉर्मल तरीके से, तब तक कोई नियम कानून इसका डिफाइंड नहीं है। समझ में आ? जब तक न्यूक्लियस को तुम गिन सकते हो तब तक कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना है, समझ गए? ठीक है, जब न्यूक्लियस का संख्या काउंट करने के रेंज के बाहर चला जाता है, ठीक है, जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का संख्या काउंट करने के बाहर चला जाता है तो फिर वहां नियम कानून लागू होता है, समझ में आ? ठीक है, मतलब 10, 20, 25 न्यूक्लियस के लिए जो नियम कानून है वो वैलिड नहीं, नहीं। लेकिन अगर हम मान लो एक मोल न्यूक्लियस ले लिए, ये मान लो एक मोल ले लिए, इस तरह से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस वन मोल ले लिए, अब वन मोल से मान लो कि
10 एटम डिसइंटीग्रेट किया, ठीक है, तो दो मोल अगर हम लेंगे तो कितना डिसइंटीग्रेट करेगा, ये हम बता सकते हैं कि 20 एटम, समझ में आया, क्योंकि एक मोल और दो मोल एटम को गिना नहीं जा सकता, तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि भाई एक मोल में अगर 10 एटम डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो दो मोल में 20 एटम डिसइंटीग्रेट करेगा अगर सेम है तो। बट अगर मान लो कि हम ये पांच न्यूक्लियस लेके बैठे, ठीक है, ये पांच न्यूक्लियस है, पांच एटम है, और अगर हम इसको बैठे तो पता चला ये एक घंटे बाद चार हो गया, मतलब एक जो है टूट के स्टेबल हो गया, ठीक है। अब अगली बार अगर हम 10 एटम लेके बैठेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक घंटे बाद ये 1 आवर में मान लो कि पांच एटम जो था रेडियो एक्टिव उसमें से एक डिसइंटीग्रेट होके चार बच गया। अब अगर बोले कि 10 एटम अगर हम लेके बैठे हैं तो क्या होगा, एक घंटे बाद आठ हो जाएंगे, आठ नहीं, आठ नहीं होगा, इसका आंसर तुम नहीं बता सकते, ये जीरो से लेकर के, ठीक है, 10 तक कुछ भी हो सकता है, समझ में, हो सकता है एक भी डिसइंटीग्रेट ना हो, हो सकता है दो डिसइंटीग्रेट हो सकता है 10 का 10 डिसइंटीग्रेट हो, समझ में। जब तक एटम का संख्या गिना जा सकता है तब तक ये वाला रूल वैलिड नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल के लिए वैलिड है जब एटम का संख्या काउंट करने के बाहर है तो ये सही है, बट यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि 10 एटम, 5 एटम अगर डिसइंटीग्रेट होके 4 होता है, ठीक है, तो 10 एटम लेके बैठेंगे एक घंटे बाद कितना होगा ये बताना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि एटम का संख्या गिना जा सकता है, समझ में आया, अरे सही, यहाँ पर जो एटम बचेगा वो 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, समझ गए, ठीक है। जब तक हम एटम का संख्या गिन सकते हैं तब तक कोई नियम कानून नहीं है, उसको गिन के पता करना है, सही, ठीक है। बट अगर एटम का संख्या काउंट करने के बाहर चला गया, ठीक है, तो हम उसको फिर डिफाइन कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एक मोल में 6.023 × 10²³ एटम होता है और उसको गिनना नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो जो हम रूल बनाएंगे वो नंबर ऑफ एटम अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल होना जरूरी, सही, अगर काउंट किया जा सकता है तो काउंट करके बताएंगे, बट काउंट नहीं किया जा सकता है तो फिर उसके लिए रूल्स है, लॉ है, सही सही, ठीक है। अब देखो रूल क्या है, रूल क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ डिके होता क्या है, ठीक है, डिके का कहानी तुमको बता दे कि जैसे मान लो हमने एक कंटेनर में, ठीक है, एक नंबर ऑफ एटम कितना रख लिया, एन नॉट, और ये एन नॉट एटम जो है काउंट नहीं किया जा सकता, मान लो 10 मोल, 20 मोल, 25 मोल है, टी इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एटम कितना है, एन नॉट, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, एन नॉट। अब क्या होगा कि ये जो डिके करेगा, माइनस dN बाई dt, ठीक है, माइनस dN बाई dt इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिके, ठीक है, रेट ऑफ डिके और एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी बोल देते हैं। तो रेट ऑफ डिके जो होता है dN बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, जैसे एक मोल था तो 10 एटम डिसइंटीग्रेट हुआ, दो मोल रहेगा तो 20 एटम डिसइंटीग्रेट करेगा, तो रेट ऑफ डिके, नंबर ऑफ एटम डिकेइंग पर सेकंड, माइनस साइन बता रहा है कि डिके कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम डिकेइंग पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट, एंड माइनस dN बाय dt इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जगह पे हम लैम्ब्डा लिखेंगे, जो है, एंड लैम्ब्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, अलग अलग है ना, एटम का डिके कांस्टेंट अलग अलग होता, बट ये लॉ कब वैलिड है, समझ गया ना, जब एटम का संख्या काउंट करने के बाहर, ठीक है, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेडियो, एन रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑफ रेडियो, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है, n represents the number of radioactive atom present in the sample, समझ में आया, n जो है, n का संख्या कितना होना चाहिए, एक मोल, दो मोल, चार मोल,
10 20 25 एटम के लिए लॉ वैलिड नहीं है, इसको रेडियो एक्टिव लॉ बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी लॉ। सही, माइनस dN by dt इज लैम्डा इनटू n, लैम्डा का वैल्यू तुमको दिया रहेगा, ठीक है, जैसे यूरेनियम का अलग होता है, प्लूटोनियम का अलग होता है, सही, ठीक है। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो लिखेंगे dN by n इज माइनस लैम्डा इनटू dt, इंटीग्रेट कर देते हैं, d बराबर 0 पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम कितना था, n नॉट, ठीक है, n नॉट टाइम t नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज n, सही। तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ n by n नॉट, इंटीग्रेशन dN by n इज लॉन n, सही, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t, और n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t माइनस लैम्डा t, हां सर। ये हमारा n का वैल्यू, n इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी टाइम t, n नॉट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट t इज इक्वल टू 0, समझ में आया, ये हमारा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट, और डीके कर गया नंबर ऑफ एटम, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड इज इक्वल टू n नॉट माइनस n, दिस इज इक्वल टू n नॉट माइनस n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा। अगर इतना एटम बचा हुआ है तो कितना एटम डिसइंटीग्रेट हो गया, n नॉट माइनस n, इतना एटम डिसइंटीग्रेट, समझ गया। और अगर इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, n और t का, तो t बराबर 0 पे नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा, n नॉट, और ये धीरे 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 क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और आफ्टर इनफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा, समझ गया, ठीक है, समझ गया। तो कभी ना कभी एक टाइम आएगा जब नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, n नॉट बाई 2, तो इस टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं, सही, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि हमने जितने भी एटम लिए हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया क्या तुम लोगों को, हाँ सर, आसान, ठीक है। सो n हमारा जो लॉ है, n इज इक्वल टू d, अरे लॉन ऑफ n बाई n नॉट इज इक्वल टू e, कितना था, e टू द पावर माइनस, अरे नहीं गलत, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू, माइनस लैम्डा इनटू t, सब कुछ और हमने लिखा n इज इक्वल माइनस n इक्वल टू n नॉट लैम्डा, सही, ये लॉन था, लॉन n बाय n नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा t। अब हाफ लाइफ में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाता है, n नॉट बाय 2, यहां चिपका देते हैं, तो हो जाएगा लॉन ऑफ n का मतलब n नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू हाफ लाइफ, सही, ठीक है। सो ये हो जाएगा लॉन 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t 1 बाय 2, ठीक है, तो लॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉन 2 इज माइनस लैम्डा इनटू t 1 बाय 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा हाफ लाइफ इज लॉन 2 बाय लैम्डा, और लॉन 2 का वैल्यू होता है 0.693 बाय लैम्डा, ये या तो डेज में रहता है या इयर्स में रहता है या सेकंड, जो भी यूनिट है, समझ में आ, ये हमारा हाफ लाइफ का वैल्यू होता है। हाफ लाइफ, ये सारे रिजल्ट तब डिराइव्ड हैं, तब वैलिड हैं जब नंबर ऑफ एटम काउंट करने के रेंज से बाहर है, अदरवाइज ये सही नहीं है, समझ गए, अरे सही रे, हाँ सर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाफ लाइफ। इसी तरह से एक एवरेज लाइफ होता है, एवरेज लाइफ का मतलब होता है कि एक एटम ऑन एन एवरेज कितने देर तक जिंदा रहेगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं टी एवरेज विच इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, समझ में आ। हाफ लाइफ का मतलब कि जितने भी हमने एटम लिए हैं वो कितने दिनों में आधा हो जाएगा या कितने साल में आधा हो जाएगा, ठीक है, और एवरेज लाइफ का मतलब जो एटम डिसइंटीग्रेट कर रहा है उसका ऑन एवरेज कितना लाइफ, समझ में आ। एक एवरेज लाइफ होता है विच इज 1 बाय लैम्डा, और एक हाफ लाइफ होता है विच इज इक्वल टू लॉन 2 बाय लैम्डा, सही है, अबे सही, ठीक है। तो ये तो हो गया हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ एंड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है, सही। अब इसमें दो तरह का लॉ है, समझ में आया ये, हाँ सर,
ये केमिकल काइनेटिक्स जैसा है पूरा, आगे बढ़े। हाँ सर, सर वो हाफ उसके जैसा है। हाँ बस बस ठीक है, हाफ लाइफ मीन लाइफ तो तुमको बता ही दिए। अब देखो इसमें जो दो तरह का रिएक्शन अपने को पढ़ना है, ये बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भारी नहीं है ठीक है। इससे करते क्या है वो इम्पोर्टेंट है ठीक है। ये हाफ लाइफ एवरेज लाइफ तुमको बता ही दिए ठीक है। अब इसके बाद आता है सीरीज डिसइंटीग्रेशन, एक होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी तो तुमको बता दी, एक्टिविटी मतलब माइनस डीएन बाई डीटी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। डीएन बाई डीटी समझ में ठीक है ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्बडा इन्फ्लुएंस ठीक है। एक्टिविटी का कुछ यूनिट है सही, एक्टिविटी का एक यूनिट है बैक्यूअल। एक बैक्यूअल का मतलब होता है वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, समझ में आया ठीक है। दूसरा यूनिट है क्यूरी, किसका डीएन बाई डीटी का, समझ में आया। एक्टिविटी का ये यूनिट है ठीक है, वन बैक्यूअल का मतलब वन डीके पर सेकंड, वन क्यूरी का मतलब होता है 3.7 × 10⁻¹⁰ डीके पर सेकंड ठीक है। एक यूनिट होता है रदरफोर्ड, वन रदरफोर्ड बराबर 10⁶ डीके पर सेकंड, समझ में आया। हाँ ये तीन यूनिट है, अगर कभी दिया हुआ है कि एक रदरफोर्ड डीके है तो इसका मतलब हुआ 10⁻¹⁰ माइनस डीएन बाई डीटी, अगर एक रदरफोर्ड है मतलब कितना हो गया 10⁶ डीके। समझ में आया, ये तुमको ध्यान रखना है कि एक्टिविटी का क्या यूनिट दिया हुआ, एक क्यूरी दिया हुआ मतलब इतना डीके पर सेकंड, वन बैक्यूअल मतलब वन डीके पर सेकंड। ये तीन यूनिट में हम लोग एक्टिविटी को बताते हैं, समझ में आया ठीक है। हाँ सर। अब देखो इसमें दो तरह का रिएक्शन अपने को पढ़ना है, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन एंड सीरीज डिसइंटीग्रेशन। पैरेलल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये ए ठीक है, ये रेडियो एक्टिव इज इक्वल टू जीरो पे, ये रेडियो एक्टिव एटम का कितना नंबर प्रेजेंट है एन नॉट ठीक है। ये डिके करके ठीक है बी बन जाता है ठीक है, किस रेट से डिके करता है, इसका डिके कांस्टेंट है लैम्डा वन, और ये डिके करके सी भी बन सकता है, और इसका डिके कांस्टेंट कितना है लैम्डा टू ठीक है। ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, मतलब ये जो ए एटम है डिके करके दो चीज बन सकता है, एक बार डिके करता है तो बी बन जाता है, और एक बार एक तरह से डिके करता है तो सी बन जाता है। मतलब ये जो एटम है ये बी भी बन सकता है और सी भी बन सकता है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल डिसइंटीग्रेशन सही ठीक है। तो इसका लॉ क्या बनेगा ये देखो, मान लो एट एनी टाइम टी नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कितना है एने, तो ये ए जो डिके कर रहा है ठीक है, तो ए कितना डिके करेगा, एक तो ये बी फॉर्म होगा, सो डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा वन इंटू एन ए, अगर बी बन रहा है तो इस रेट से बनेगा ठीक है, और अगर ए सी बन रहा है तो माइनस डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा टू इंटू एन ए, क्योंकि इसी के प्रपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ एटम ऑफ ए प्रपोर्शनल रहेगा। हां सर। अब क्योंकि ये भी डिसइंटीग्रेट होके बन रहा है ये भी, तो टोटल डीएनए बाय डीटी क्या हो जाएगा, माइनस डीएनए बाय डीटी हो जाएगा इन दोनों का सम ब्रैकेट में, दिस इज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 ठीक है। मतलब इसी को हम लोग लैम्बडा इक्विवेलेंट बोलते हैं, व्हिच इज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो डी एन ए बाई डी टी जो हमारा डी एन ए बाई एन ए को लिख सकते हैं माइनस लेमडा इंटू डी टी, लेमडा इक्वेलेंट को हम लेमडा मान लेते हैं ठीक है, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो एन ए आ जाएगा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा इक्वेलेंट इंटू टी ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी टाइम टी। अब B का कितना एटम बना ये देखना है, और C का नंबर ऑफ एटम ऑफ A कितना है, NA हमें पता चल गया कि NA कितना रहेगा ठीक है। अब B कितना बनेगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B जो होगा dNB by dt, ये प्लस लिखेंगे क्योंकि B फॉर्म हो रहा है, और ये फॉर्म हो रहा है लैम्बडा 1 into NA ठीक है। B उतना ही फॉर्म होगा जितना A डिसइंटीग्रेट होगा लैम्बडा 1 रेट से ठीक है। सो ये हमारा NB dNB हो गया, so dNB by dt is equal to lambda 1 NA, NA का मतलब हुआ N naught e to the power minus lambda 1
प्लस लेमडा टू इंटू ठीक है टी सही है सो टी एन बी हो जाएगा लेमडा वन एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी इंटू डी और इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से टी टाइम तक तो ये जीरो से एन बी हो जाएगा ठीक है तो एन बी आ जाएगा क्योंकि इनिशियली बी था नहीं लेमडा वन एन नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी होल डिवाइडेड बाय क्या डिवाइडेड बाय लेमडा वन प्लस लेमडा टू माइनस आ जाएगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू लेमडा टू प्लस सम कांस्टेंट सही हाँ सर एट t इज इक्वल टू जीरो t इज इक्वल टू जीरो पे एन बी कितना था जीरो है ना अरे सही इसमें जीरो भी पुट करना पड़ेगा ये एन बी तुम इसमें लिमिट हटा दो इसमें लिमिट अपन कांस्टेंट से निकाल ठीक है ये जो है ना ये एन बी का वैल्यू अपन एन बी का इंटीग्रेट कितना और ये सी आ गया अब सी का वैल्यू क्या होगा तो टी बराबर जीरो पे एन बी जीरो है तो सी का वैल्यू हो जाएगा एन नॉट लेमडा वन बाई लेमडा वन प्लस लेमडा टी का वैल्यू जीरो पुट करो इतना हो जाएगा सो एन बी का वैल्यू हो जाएगा लेमडा वन एन नॉट बाई लेमडा वन प्लस लेमडा टू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू टी दिस इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट इन द सैंपल है ना दिस इज बी बी का अगर संख्या पूछा तो उसका वैल्यू ये रहेगा क्लियर है और इसी तरह से अगर ए का बात कर रहा है सॉरी सी का तो डी एन सी बाई डी टी हो जाएगा लेमडा टू इंटू एन और एन सी का वैल्यू आ जाएगा लेमडा टू एन नॉट बाई लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू इंटू टी समझ में आया सब कुछ वही रहेगा बस यहाँ पे लेमडा टू के लेमडा वन के जगह पे लेमडा टू आ जाएगा नहीं तो ये तो हो गया पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में कि अगर टी बराबर अगर मान लो एन बी ऑलरेडी था तो इसमें सी के जगह पे जब सी की जीरो पुट करोगे तो एन बी का वैल्यू जो भी दिया हुआ है वो रखो अरे ये समझ में आया क्या हाँ सर ठीक है तो ये हो गया हमारा पैरेलल डिसइंटीग्रेशन ठीक है एक होता है सीरीज डिसइंटीग्रेशन ठीक है पैरेलल में कुछ नहीं करना है बस लेमडा इक्विवेलेंट लेमडा वन प्लस लेमडा टू हो जाएगा सही सही अब सीरीज में देखो क्या होता है सीरीज डिसइंटीग्रेशन में ठीक है सीरीज डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये ए है ए डिसइंटीग्रेट करता है लेमडा वन से और ये बी बन जाता है बी भी अनस्टेबल है और ये लेमडा टू से डिसइंटीग्रेट होके सी बन जाता है और सी स्टेबल है एट टी इज इक्वल टू जीरो इसका नंबर मान लेते हैं नॉट है और ये जीरो है और ये जीरो है मान लेते हैं जीरो जीरो ठीक है एट टाइम टी एट टी इज इक्वल टू टी पे इसका संख्या एन ए है ये एन बी है और ये एन सी ठीक है सो ए का बात करते हैं माइनस डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा वन इंटू एन ठीक है सो यहाँ से एन ए का वैल्यू हो जाएगा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा वन ये एन ए हो गया अब देखो बी के साथ समस्या है बी क्या है पहले तो जीरो था इसका मतलब बी क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है सो डी एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा वन इंटू एन ए इससे फॉर्म हो रहा है और साथ में लेमडा टू इंटू एन बी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये फॉर्म हो रहा है इस रेट से और डिसइंटीग्रेट हो रहा है इस रेट से फॉर्म हो रहा है और इस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है सही सो यहां से आ जाएगा डी एन बी बाई डी टी प्लस लेमडा टू इंटू एन बी इज इक्वल टू लेमडा वन इंटू एन ए एन ए का वैल्यू हमें पता है इट इज एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा वन इंटू टी सही और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू याद आया ठीक है जिसमें p का वैल्यू लेमडा टू है देयर p इज इक्वल टू लेमडा टू एंड q इज इक्वल टू लेमडा वन एन नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा वन इंटू टी ठीक है तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो nb का वैल्यू आ जाएगा समझ में आया
हाँ सर अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। इसी तरह से c का बात करें तो c तो फॉर्म हो रहा है, सो dnc by dt is lambda 2 into nb, ठीक है। यहां से nb का जो वैल्यू आएगा यहां रख देना, इंटीग्रेट कर देना, nc निकल जाएगा, सही। हाँ सर ठीक है। ये तो हो गया सीरीज और पैरेलल। इसके बाद एक और डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एटम को ऐड कर रहे होते हैं। ये कैसा होता है ये देखो, जैसे मान लो ये कंटेनर है, टी इज इक्वल टू जीरो पे इसमें एटम का संख्या क्या था, जीरो, ठीक है, इसमें एटम नहीं था और बंद हो जाएगा तो लौट ही हो रही, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फा एटम्स पर सेकेंड इसमें डाल रहे हैं, रेडियो एक्टिव एटम, सही, जिसका डीके कॉन्स्टेंट कितना है, लेमड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम का संख्या क्या होगा रेडियो एक्टिव का, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सही, बढ़ेगा, अरे सही। किसी इंस्टेंस मान लेते कितना एन, सो डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि पहले जीरो था, कितना रेट से एड कर रहे अल्फा और ये डीके कितने से कर रहा है, लेमड़ा इन टू एन, ठीक है। अल्फा एटम पर सेकंड हम इसमें डाल रहे हैं और ये डिसइंटीग्रेट कितना कर रहा है, लेमड़ा इंटू एन से डीके कर रहा है, तो ये हमारा डीके लॉ बन गया, समझ में आया, ठीक है। और इस समझ में आया ये डीके लॉ, हाँ सर, एन बाई अल्फा माइनस लेमड़ा एन इज इक्वल टू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ अल्फा माइनस लेमड़ा एन, ठीक है, इज इक्वल टू टी, और ये लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, एन का वैल्यू जीरो से एन, सही, और डिवाइडेड बाय वन बाय लेमड़ा भी होगा क्योंकि लेमड़ा कांस्टेंट से डिवाइड भी होता है ना, तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ अल्फा माइनस लेमड़ा एन बाय अल्फा, जीरो पुट करेंगे, एन पुट करेंगे, एक बार जीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस लेमड़ा इन टू टी, और अल्फा माइनस लेमड़ा एन बाय अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी, ठीक है। और यहां से लिख सकते हैं अल्फा माइनस लेमड़ा एन इज इक्वल टू अल्फा ई टू द पावर लेमड़ा टी, और एन इज इक्वल टू अल्फा बाय लेमड़ा इनटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी। This is the number of radioactive atom present in the sample at any time t, ठीक है? At t is equal to infinity, e to the power minus infinity is zero, so n becomes alpha by lambda. After sufficient long time, ठीक है? बहुत देर के बाद number of atom in the sample becomes constant, सही? अरे सही, ठीक है। तो ये हमारा हो, समझ में आया क्या? हाँ सर। बोलो अबे सही, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी, क्लियर है, बहुत बोरिंग है भाई। अरे सही रे, ठीक है। अब इसमें जो दो कहानी बनता है वो कहानी तुमको बता दे, ठीक है, आपके रेडियो एक्टिविटी से करते क्या, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी से पहला काम एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देखो मान लो जब बिग बैंग हुआ होगा तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का नंबर कितना रहा होगा, एन नॉट बराबर बराबर रहा होगा, यूरेनियम 235 और 238 का टोटल नंबर बिग बैंग के समय कितना रहा होगा, एन नॉट बराबर बराबर, ऐसा मान लेते, जब एक्सप्लोजन हुआ सब चीज बराबर बराबर फॉर्म हुआ, ठीक है। इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। आज के दिन में इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, ये n1 इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इनटू t। इसका डीके कांस्टेंट अगर इतना है तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा, n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इनटू t, सही। और n1 by n2 का रेशियो हो जाएगा e to the power minus lambda 1 minus lambda 2 into t, सही। This is the fraction आज का, सही। Initially fraction कितना था, 1। आज के दिन में अगर 100 एटम हम निकालते हैं तो उसमें से पता चला 60 एटम तो 235 का है और
40 एटम जो है 238 कौन एन एवरेज निकलता है, तो आज का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/2। और अगर ये फ्रैक्शन हमें आज का पता है कि 3/2 हो रहा है, तो हम ये टाइम निकाल सकते हैं ना, लेमड़ा वन लेमड़ा टू तो हमें पता है। हाँ सर, ठीक है। आज का यूरेनियम 238, आज जो ओर निकल रहा है यूरेनियम का, तो उसमें कितने एटम 235 का निकलते पर 100 और कितने 238 का निकलते पर 100, तो इससे फ्रैक्शन मिल जाएगा। और फ्रैक्शन अगर मिल जाएगा तो हम एज ऑफ अर्थ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आ? अबे सही, टी का वैल्यू 3 बिलियन ईयर आया, उसमें 2-4, 10 करोड़, 20 करोड़ आगे पीछे भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से रॉक है ना, समझ में आया, एज ऑफ अर्थ निकाला जाता है। क्लियर है? अबे सही, ठीक है। इससे हम लोग डायनासोर का एज भी निकाल सकते हैं, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अरे सही, तो रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सही, तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 बराबर बराबर संख्या में रहता है, या टी इज इक्वल टू जीरो पे, अब देखो बंद हो जाता, बंद आ जाना, टी इज इक्वल टू जीरो पे फ्रैक्शन मान लो कितना है एफ नॉट, ठीक है। और समझ में आया? हाँ सर। ये थोड़ा एससी वर्मा पढ़ लेना ना, बड़ा इजी है, कुछ भारी नहीं। वही जैसे इसका एटम निकाल लिए, इसका एटम निकाल लिए, दोनों का रेशियो ले लिए, तो अपने को पता चल जाता है कि आज का इनिशियल रेशियो इतना है और बाद का रेशियो इतना है, तो इतना साल बीत गया। वही फ्रैक्शन का कहानी है यही। समझ में आया? ठीक है। इसमें कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 12 होता है स्टेबल, सही। जब तक आदमी जिंदा रहता है या पेड़ वगैरह जिंदा रहता है, तब तक कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर बनता है, ठीक है। बट एक बार मर जाने के बाद कार्बन 14 बनना बंद हो जाता है और डिसइंटीग्रेट होने लगता है, सही। अबे सही, तो ये कार्बन अपनी बॉडी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। हाँ सर, मतलब अपनी बॉडी में भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं। कार्बन 14 हर चीज में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन 12 कार्बन 14 होता है, सही। लेकिन इसका एक्टिविटी बहुत कम होता है कार्बन 14 का, सही, ठीक है। हाँ नहीं होता, जिससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता वो डेंजरस होता है, सही। कार्बन 14 कुछ तो रहता है ना बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ तो कार्बन और रेडियो एक्टिव एटम रहते ही है। कार्बन 12 कार्बन 14 हर पेड़ वगैरह में भी रहता, सही, ठीक है। हाँ सर, इसी तरह से एज निकालते पे हो गया खत्म। इसमें क्या करना है, ये सब फालतू चीजें हैं।